अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लाइन केयर, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मुख्य किस्म के घरों के नक्शाजात जो है वो उनको डिज़ाइन करने के बाद उनकी वीडियोस यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो आज मैं दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि एक जो कि डबल स्टोरी नक्शा है इस बिल्डिंग का, जो कि इंशाल्लाह बनने जा रही है। तो इससे पहले कि वीडियो को डिटेल में बयान किया जाए, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन लिंक जो है वो आप लोगों के पास आसानी पहुंच जाए। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी अपना कोई प्लॉट का प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर दिए गए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है, या फिर आप लोग जो है वो नीचे कमेंट में अपने प्लॉट का साइज़ जो है वो मैंशन कर सकते हैं। फिर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए उस साइज के मुताबिक प्लॉट डिज़ाइन करके यहाँ पर इस यूट्यूब के चैनल पर जो है वो लाइन कैट पर वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास जो प्लॉट साइज है वो कितने हैं। हमारे पास जो प्लॉट साइज है वो 14 फीट 10 इंच बाय 38 फीट का है। इसके अंदर जो हमारे पास एरिया है वो 563.7 स्क्वेयर फुट के है, जो कि तकरीबन 2.070 मरले का बनता है। तो शुरू करते हैं हम अपने ग्राउंड फ्लोर से। ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास इंट्रेस में मेन गेट जो है वो 8 फीट के है। उसके बाद अंदर की तरफ हमारे पास 8 फीट 11.5 इंच बाय 11 फीट 7.5 इंच का जो है वो हमारे पास कार पोर्च मौजूद है। और ये जो स्पेस आप लोगों को खाली नज़र आ रही है ये वाली, इसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टेयर्स मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर मेरी मैंशन नहीं की हुई। इसको मैंने अलहदा से दूसरी ड्राइंग में मैंशन किया है, जहाँ मैं चीज़ों को जो है वो डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। कारपोर्च के बाद हमारे पास घर में एंटर होने के लिए मेन डोर है, जो कि 4 फीट का है। उसके बाद लेफ्ट साइड पर हमारे पास 2 फीट का डोर है, जो कि टॉयलेट के है, जो 4 फीट बाय 7 फीट के है। उसके बाद इस स्टोर के अंदर डिजाइन के अंदर हमारे पास जो है वो छोटा सा किचन आ जाता है, जो कि 6 फीट 7 इंच बाय 10 फीट 4.5 इंच का है। उसके बाद इसी सेम के अंदर हमारे पास 6 फीट 7 इंच का जो है वो किचन मौजूद है, जिसके दो साइजेस भी हमने इन कमरों के बोलते हैं वो मैंशन किए हैं, 2 फीट बाय 2 फीट 6 इंच का। इसके अलावा चूँकि ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर हमने जो है वो कारपोर्च भी बनाना था, उसको कोर्टयार्ड भी बनाना था, किचन भी बनाना था, टॉयलेट भी बनाना था, तो जितनी हमारे पास जगह बनती थी वो उसके मुताबिक हमारे पास एक ही बेडरूम यहाँ पर बचता था। तो वो उसका साइज जो है वो 13 फीट 4 इंच बाय 13 फीट हमारे पास बेडरूम का साइज है। इसके अलावा ये जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर 6 फीट बाय 2 फीट के जो है वो सेफ अलमारी के लिए ये जगह बनाई हुई है। अब बात करते हैं हम अपने स्टेयर, एक तरफा से आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर था, जिसका मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था। ये जो स्पेस आप लोगों को नज़र आ रही थी ये असल में यहाँ पर स्टेयर्स हैं, ठीक है। असल में यहाँ पर ये स्टेयर्स हैं, जो कि मेन गेट से इंटर होने के बाद लेफ्ट साइड से होती हुई सेकंड फ्लोर पर, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, जो कि 12 फीट की हाइट पर है हमारे पास। तो उस हिसाब से हमारे पास जो स्टेयर्स आती हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से 18 स्टेयर से बनी हुई हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ, जो कि ये है। अब वो जो स्टेयर्स नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी वो ये वाली हैं। इन स्टेयर्स के ऊपर हमारे पास ये टॉयलेट मौजूद है, जो कि 3 फीट बाय 7 फीट का है। इसके अलावा हमारे पास ये बालकनी मौजूद है, जो कि 2 फीट 6 इंच का है। बालकनी से पहले हमारे पास ये बेडरूम मौजूद है, जो कि 9 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का है। स्टेयर से सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद हमारे पास राइट साइड पर दोबारा से स्टेयर्स मौजूद हैं, जो कि हमें रूफ पर लेकर जाती हैं, ये छत पर लेकर जाती हैं, जो कि 3 फीट 3 इंच की है। अगेन मैंने यहाँ पर स्टेयर्स इस तरफ मेंशन नहीं की हुई, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर मुझे पहले तब से सेकेंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर को मेंशन करना था। फिर मैंने सॉरी ये समझा कि मैं जो है वो स्टेयर्स को बाद में भी मेंशन कर सकता हूँ। लिहाजा हमारे पास ये 6 फीट बाय 7 फीट का जो है वो किचन मौजूद है। अब यहाँ सेकंड फर्स्ट फ्लोर पर भी सॉरी किचन मौजूद है, जबकि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पर भी किचन मौजूद है। इसमें मतलब ये दो पोर्शन हुए, हम जो है वो नीचे वाला पोर्शन ग्राउंड फ्लोर पोर्शन या फिर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पोर्शन जो है वो रेंट पर दे सकते हैं।
अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर किचन नहीं भी बना सकते, ये अच्छा खासा एक अच्छा सा सीन बन जाएगा। यहाँ पर ये स्टेयर्स आ जाएंगी, जो कि लिविंग ये टीवी लाउंज जो है वो आप देखिए आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा सा बन जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे फ्लोर से दो पोर्शन नहीं बनाना चाहते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेम रूम साइज आ जाता है, जो कि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का था 13 फीट बाय 13 फीट का, इसके साथ ये सेफ अलमारी के लिए जगह बनी हुई है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड फ्लोर पर, जो कि ये जो स्टेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली ये वो स्टेयर्स हैं जो कि नीचे से सेकंड फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ आती हैं या रूफ की तरफ आती हैं यहाँ पर। और रूफ पर जो छत पर जो जो है वो हमने एक और कमरा बनाया हुआ है जो स्टोर रूम है, जो कि 13 फीट 4 इंच बाय 13 फीट 9 इंच का है। ठीक है, उसके बाद ये सारी की सारी रूफ जो है वो हमारे पास एम्प्टी है, यहाँ पर जो है वो पूरी हवा के लिए फ़ा के लिए। इसके अलावा ये जो शेड है 2 फीट 6 इंच का जो हमारे पास ये शेड बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये जो है वो प्लॉट था आप लोगों के, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए जो मैंने बनाया था। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों भी अपने प्लॉट का साइज जो है वो प्लॉट की प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में अपने प्लॉट का साइज मेंशन करें। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों को प्लॉट के साइज को जो है वो डिज़ाइन करूँ, फिर उसकी वीडियो बना कर यहाँ आप लोगों के सामने लाइन कैट के चैनल पर अपलोड करूँ। और इसके अलावा अगर आप लोग को भी कोई अपना डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, कोई प्लान वगैरह, कोई प्लॉट वगैरह, तो आपको भी इससे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतनी काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मज़ीद जो है वो ऐसी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से जो है वो आप लोग अपने ऑटोकैड के अंदर अपने हाउस प्लान जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतनी काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।